गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बताया था कि जो एग्ज़ाम है SSC स्टेनोग्राफर का वो कब हो सकता है, नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त 2023 में आ सकता है और कुछ दिन आपको मिलेंगे फॉर्म फिल करने का, और इसके बाद नवंबर और दिसंबर में चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे, मतलब जो CBT टेस्ट है वो होगा। तो अभी कुल मिला के आपके पास 6 महीने हैं, और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या 6 महीने में आप सिलेबस पूरा कम्प्लीट कर सकते हैं और वो कैप भी पूरा तैयार कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स भी तैयार कर लेंगे और मतलब अच्छे से तैयारी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो क्या आप ये कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे नॉर्मली जो अब स्किल SSC स्टेनोग्राफर भी है उसके लिए भी अब आपको कम से कम 10-12 महीने का समय चाहिए अच्छे से तैयारी करने का, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप एकदम टॉप लेवल की तैयारी करेंगे, मतलब आप कम में क्यों मानेंगे। सिर्फ सीट नहीं चाहिए, आपको अच्छी पोस्टिंग चाहिए, तो उस लेवल की तैयारी के लिए आपको नॉर्मली 10 से 12 महीने तो चाहिए। लेकिन 6 महीने में भी आपका काम हो सकता है, बट अगर आप उस लेवल की मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 6 महीने की तैयारी करो, अगला 12-15 महीने का तैयारी कर रहा है और आपको भी वही चीज़ मिल जाएगा, उसको भी वही चीज़ मिल जाएगा, ये ना तो फेयर है और ना ऐसा हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है कि अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वो कैब करेंट GS रीजनिंग इंग्लिश और शॉर्ट हैंड भी, और इसके अलावा मॉक टेस्ट सब कुछ साथ में लेकर चलना होगा। कैसे आप लेकर चलेंगे वो मैं धीरे धीरे आपको एक एक वीडियोस में बताती रहूँगी, लेकिन आपका काम यही है कि आप पढ़ते रहो, जैसे जैसे जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको उस पर अमल करो, जो भी आपको क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाऊँगी तो भी मतलब मैं उस पर वीडियो ज़रूर लिखती हूँ और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अपने जितने भी डाउट्स हैं वो लिख दिया करो, बस मैं शॉर्ट्स में या फिर फुल वीडियोस में बता दूंगी, लेकिन आपका बस एक ही काम है कमेंट में क्वेश्चंस पूछना, उसका आंसर पाना, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से और अपने घर पे बैठ के या फिर लाइब्रेरी में बैठ के आप इस एग्ज़ाम की पूरी पूरी तैयारी कर सकते हो और MEA जैसा भी डिपार्टमेंट पा सकते हो। तो आई गेस कि अब आपको 6 महीने सुन के थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा कि ठीक है मैं आज ही से शुरू करूँगा, आज ही से शुरू कर दो। और जो लोग अभी बैठे हैं, जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, या जो सोच रहे हैं कि मैं तो 1 मई से पढ़ूंगा, मैं तो 1 जून से पढ़ूंगा, उनसे आप आगे निकल सकते हो। आपके पास एक गोल्डन चांस है, अगर आपको 2023 के वैकेंसी में अपना फाइनल एक सीट चाहिए तो, और वो भी अच्छी सीट चाहिए, तो उसके लिए आज ही से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप पूछो या ना पूछो, मैं वैसे भी आपको सब्जेक्ट वाइज बताती रहूँगी, टाइम टेबल के बारे में भी बताऊँगी कि कैसे आप इस मतलब 6 महीने का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और डेली रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, साथ के साथ रीजनिंग इंग्लिश GS करेंट वोकैब सभी के लिए आपको क्या करना है, वो या तो मैं शॉर्ट्स में या फिर मैं मेन जो वीडियो होती है, थोड़ी लंबी वीडियो होती है, उसमें भी बताने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं सारी जो वीडियोज़ होती हैं ये मेन चैनल की वो मैं भेज देती टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी मिला तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। प्लस ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो डिस्कशन करते रहते हैं आपस में, मतलब एग्ज़ाम के बारे में, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, वहाँ पे सब SSC स्टेनोग्राफर के या फिर स्टेनोग्राफर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वही बच्चे हैं, तो उनसे भी आपकी मतलब हेल्प हो जाएगी, आपको कुछ पूछना है डायरेक्टली तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और किसी अच्छी पढ़ाई की टिप के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार, और आज ही से मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोल देती हूँ। 6 महीने अपने आप को दे दीजिए और बहुत बहुत अच्छा मार्क्स लाइए और अपनी एक सीट, मैं तो कहूँगी कि MEA CBI IB जिसमें भी आप चाहते हैं, CBDT CBIC जिसमें भी आप चाहते हैं उसमें एकदम कन्फर्म हो जाए, आपके होम स्टेट में ही हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।